दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है और हर रोज़ सुबह उस बैंक अकाउंट में 86,400 रुपये जमा हो जाते हैं जिसे आप उपयोग में ले सकते हैं। आप रुपयों को बैंक अकाउंट से निकालकर अपनी तिजोरी में जमा करके नहीं रख सकते। इस बैंक अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम नहीं है, यानी कि जिन रुपयों को आप उपयोग में नहीं ले पाते वह रुपए शाम को वापस ले लिए जाते हैं और आपका उन पर कोई अधिकार नहीं रहता। यह बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। हो सकता है कि कल यह बैंक अकाउंट बंद हो जाए या फिर 2 वर्ष बाद या फिर 50 वर्ष बाद, लेकिन इतना तो निश्चित है कि यह बैंक अकाउंट एक दिन ज़रूर बंद होगा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? जाहिर है आप पूरे के पूरे 86,400 रुपये का उपयोग कर लेंगे और इन 86,400 रुपयों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करेंगे, क्योंकि यह बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही एक बैंक अकाउंट हमारे पास होता है जिसका नाम है जिंदगी, और इस जीवन रूपी बैंक अकाउंट में प्रतिदिन 86,400 सेकेंड्स जमा होते हैं जिनका उपयोग कैसे करना है यह हम पर निर्भर करता है। हम चाहे तो इन 86,400 सेकेंड्स का उपयोग बेहतरीन कार्यों के लिए कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो यह व्यर्थ हो जाएंगे। यह जीवन रूपी बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए देर मत कीजिए। आपके जीवन का हर पल अमूल्य है, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। अगर किसी को भी ऐसा बैंक अकाउंट दे दिया जाए जिसमें रोज़ 86,400 रुपये जमा हो तो वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा और एक रुपया भी व्यर्थ नहीं गवाएगा। क्या हमारे जीवन के एक सेकंड की कीमत 1 रुपये से भी कम है? हम कैसे अपने जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति को ऐसे ही व्यर्थ गंवा सकते हैं? खोया हुआ धन फिर कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। उसके लिए केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। हर एक दिन को व्यर्थ गंवाना आत्महत्या करने के समान है। बिना समय प्रबंधन के आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। कबीरदास जी का यह छोटा सा दोहा जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बता देता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगा कब। बीते हुए कल को भूल जाइए, उसका आज कोई वजूद नहीं। आज आपका है, आज एक नई शुरुआत कीजिए। जो व्यक्ति अपने समय को नष्ट कर देते हैं, समय उन्हें नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, मेरी उम्मीद है कि आज से आप अपने जीवन का एक भी पल व्यर्थ नहीं गंवाएंगे और उसे रचनात्मक कार्यों में प्रयोग करेंगे।